भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पिंडर नदी में नहाने गए दो बच्चे लापता, नदी में डूबने की आशंका, प्रशासन मौके पर। जिला चमोली के नरारबगड़ के पंती बाजार के निकट पिंडर नदी में नहाने गए दो बच्चे लापता, दोनों की डूबने की है आशंका। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर कक्षा 8वीं का छात्र प्रियांशु नेगी, पुत्र हरित नेगी, उम्र 13 वर्ष, निवासी पंती, तथा कक्षा 8वीं का ही छात्र गजिन सिनवार, पुत्र दशरथ सिनवार, उम्र 15 वर्ष, निवासी बगोली हाल निवास पंती, ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकले थे। ग्राम प्रधान रमेश गुंसाई ने बताया कि दोनों बच्चे जब देर तक घर नहीं लौटे तो उनकी खोज की गई। छानबीन में दोनों बच्चों के चप्पल, कपड़े, मास्क और किताबें पंती के नीचे पिंडर नदी के किनारे मिले, जिससे दोनों बच्चों के डूबने या बहने की आशंका बन गई। घटना की सूचना पर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव, थाना प्रभारी ध्वजवीर पवार, पुलिस चौकी प्रभारी विनोद चौरसिया, राजस्व उपनिरीक्षक मनीष रावत, सिपाही संतोष सिंह, सिपाही अजय डुभाल, भाजपा जिला मंत्री दलीप सिंह नेगी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतीप बुटोला आदि मौके पर खोजबीन करने में जुटे हुए हैं, तथा आपदा प्रबंधन टीम का इंतजार किया जा रहा, तथा गढ़वाल रेंज की गोताखोर टीम भी पहुंचने वाली। उनके खोजबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। समाचार लिखे जाने तक दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। ये जो घटना है, जो दो बच्चों के लापता होने की जो सूचना है, और यहाँ पर जो नदी में जो शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि नहाने आए होंगे, और यहाँ पर जो बड़ा गहरा तालाब भी है, तो क्या कहना है आपका यहाँ पर जो अभी मौके पर जो प्रशासन की टीम भी आप भी हैं? देखिए, अभी आज करीब 4:45 बजे सूचना आई कि दो बच्चे पंती में नहाते हुए डूब गए हैं। इस सूचना पर हम यहाँ आए तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ दो बच्चों के चप्पल पड़े हैं और उनके कपड़े पड़े हैं यहाँ पर। तो परिजनों द्वारा भी यही बताया गया कि नदी की तरफ ही आए थे, और परिजनों ने जो है अपने अपने बच्चों के कपड़े पहचान लिए हैं। संभावना यह है कि वो यहाँ नहाते समय डूब गए। SDRF की टीम रास्ते में पहुँच गई और गोताखोर टीम को भी सूचना भेज दी गई है। क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, तो अभी जब तक उजाला है तब तक ऑपरेशन सर्च जारी रहेगा, और गोताखोर टीम आते ही गोताखोर से भी सर्चिंग कराई जाएगी।